हाय फ्रेंड्स, क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका पहला क्वेश्चन है ए एन बराबर दे रखा है अपने को 3 + 4n। कोई समांतर श्रेणी है जिसमें पद है ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक है, तो एनवा पद दे रखा है अपने को ए एन बराबर दे रखा है 3 + 4n, और अपने को क्या करना है इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो अपने को समांतर श्रेणी ज्ञात करनी होगी, तो यहाँ पर ए एन बराबर ये दे रखा है 3 + 4n, तो ए वन क्या हो जाएगा दोस्तों, एवन हो जाएगा 3 + n के स्थान पर यदि अपन 1 रख देते हैं, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 7। फिर ए टू दूसरा पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 + n के स्थान पर 2 रखेंगे अपन, तो 4 × 2 = 8, 8 और 3 कितना जाएगा 11 हो जाएगा। फिर ए थ्री क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 + 4 n के स्थान पर 3 रखेंगे, 4 × 3 = 12, 12 और 3 = 15 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को ए पंद्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और एन के स्थान पर जैसे चौथा पद ज्ञात करना है तो 4 रख देंगे, पांचवा करना है तो 5 रख देंगे, और 15वां ज्ञात करना है तो अपने को क्या रखेंगे, एन के स्थान पर 15 रख देंगे, तो 15 × 4 = 60 और 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, तो 15वां पद है 63। तो समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई अपने को, 7, 11, 15, और इस प्रकार से ये है 15वां पद 63। ठीक है, अब अपने को क्या कह रखा है क्वेश्चन कि आपको प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों, एन बटे में 2 ए वन प्लस ए एन, मतलब अंतिम पद क्या है यहाँ पर 63 है, और जो कि क्या है ज्ञात करना है। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो अपने को ए वन है 7 और ए टू है 11, तो अपने को ये होता है एन पदों का योग का सूत्र। अब अपने पास में प्रथम पद है और अंतिम पद, 15वां पद भी दे रखा है अपने को कितना है 63, तो इस फॉर्मूले पर अपन मान रख देते हैं, तो एस एन बराबर एन के स्थान पर 15, क्योंकि प्रथम पद 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 15/2 ए वन कितना है 7 प्लस ए एन, मतलब ए 15वां पद क्या है 63 है, 63 और 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 15 × 70/2, तो ये कितने बार कटेगा 35 बार, और 15/75 को 5 हासिल का 7, 15 × 45 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। तो कितना आ गया अपने पास में एस 15 = 525, आयोग की चीज़ आपके समझ आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ए एन बराबर दे रखा है 9 - 5n। अब अपने को फिर से समांतर श्रेणी याद करनी पड़ेगी, तो पहला प्रथम पद ए वन क्या हो जाएगा 9 - 5 × n के स्थान पर 1, 5 × a कितना जाएगा 5 - 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर ए टू मतलब दूसरा पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 - 5 × 2, 5 × 2 कितना जाएगा 10, 9 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों -1। फिर ए थ्री मतलब तीसरा पद क्या हो जाएगा, 9 - 5 n के स्थान पर क्या रखेंगे अपन 3 रखेंगे, ठीक है, तो 5 × 3 = 15, 9 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा -4। इस प्रकार से अब अपने को कितने पद ज्ञात करने हैं, 15 पद ज्ञात करने हैं, क्योंकि अपने को प्रथम 15 पद होगा योग ज्ञात करना है, तो ए 15 मतलब 15वां पद क्या हो जाएगा 9 - 5 × n के स्थान पर 15 × 5 = 75 है, तो 9 - 75 इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, 9 में से 75 जाएगा तो अपने पास में बचेगा दोस्तों यहाँ पर 66, कितना बच गया -66। तो अपने को क्या ज्ञात हो गया, ए वन ज्ञात है, ए टू ज्ञात है, इस प्रकार से ए एन भी ज्ञात हो गया अपने को। अब समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई, 4 - 1 - 6, इस प्रकार से -66, जो कि अंतिम पद। अपने को प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बटे में 2 ए वन प्लस ए एन, मतलब अंतिम पद और प्रथम पद। अंतिम पद क्या है, -66 है, जो कि है 15वां पद। ए वन अपने को ज्ञात है कितना है 4, तो एस 15 = क्या हो जाएगा दोस्तों, एन के स्थान पर 15/2 ए वन कितना है यहाँ पर 4 प्लस ए एन कितना है -66। अब यहाँ पर देखो -66 है और कोष्ठक के जस्ट बाहर ही प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो एस 15 = 15/2 4 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -66, कितना बचेगा यहाँ पर 15/2 × -66 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -62, 2 से काटेंगे तो
माइनस दो ती अच्छे दो एकम दो, कितना आ गया 15 इंटू माइनस का 31 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 15 एकम 15 को 5 हासिल को 1 15 ती 45 हो रहेगा 46 कितना आ गया अपने पास में माइनस का 465। तो एस 15 यदि ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन है तो उसके 15 प्रथम पदों प्रथम 15 पदों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 465। आयोग की चीज आपके समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।